हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंशिका। सो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियोस को पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा लंबा है ना, तो हम ये नहीं चाहते कि आपको ये स्टोरी बहुत ही बोरिंग लगने लगे पढ़ते के साथ, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में भी आएगा एंड आपको बोरिंग नहीं, इससे बहुत कुछ सीखने को और बहुत ही अच्छा लगेगा इस स्टोरी को पढ़ के, ठीक है। इसलिए मैंने इस स्टोरी को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपका हेल्प हो जाए एंड आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। उन्होंने पिछले क्लास में क्या कहाँ तक पढ़ा था स्टोरी को, कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ वहाँ पे एंड वहाँ पे उन्होंने प्लेस लिया, अपने कंट्री को एड्रेस किया, ठीक है। वहाँ पे स्टोरी को हम लोगों ने एंड किया था कल क्लास में। सो वहीं से आगे हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ से। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carriers roared in perfect formation over the Union Building. So, आगे यहाँ पे बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी कि कुछ ही moments के बाद हम सभी लोगों ने अपने eyes को ऊपर उठाया sky में in awe. Awe का meaning होता है friends, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड अमेजमेंट। सो बहुत से रिस्पेक्ट एंड अमेजमेंट, खुशी के साथ उन सभी लोगों ने अपने आंखों को आसमान की तरफ उठाया, ठीक है। एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। स्पेक्टेकुलर का मीनिंग होता है इम्प्रेसिव, सुपर, स्टर्निंग, ठीक है। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है इम्प्रेसिव, सुपर एंड अरे का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं अरेंजमेंट। सो वहां पे स्काई में बहुत ही इम्प्रेसिव अरेंजमेंट था, फॉर्मेशन था साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूफ करियर्स का, जो कि एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना के उसमें रोर कर रहे थे। ये सारे तीनों मिल के रोर कर रहे थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, मतलब गर्जना कर रहे थे एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बना के ओवर द यूनियन बिल्डिंग। सो यूनियन बिल्डिंग में सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे एम्पी थिएटर में, सो उसी के ऊपर स्काई में ये सारा देख रहे थे, ठीक है। सो इसको आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पे शोज होता है ना, एयरप्लेन, एयरजेट से सबका, सो वही सब वहाँ भी हो रहा था, ठीक है। फाइटर प्लेन का ये सब शोज होता है ना हमारे यहाँ, तो वही सब वहाँ भी हो रहा था, ठीक है। सिंपली आप वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिनपॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर। सो आगे बता रहे नेल्सन मंडेला जी कि एक सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, प्रदर्शन नहीं था पिनपॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स का। मिलिट्री का फोर्स का एंड पिनपॉइंट प्रिसीजन, मतलब प्रिसीजन का मीनिंग होता है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बीइंग एग्जैक्ट एंड क्लियर, मतलब सटीक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदर्शन नहीं था पिनपॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। सो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि बल्कि वो क्या था, एक मिलिट्री जो है उनका लॉयल्टी था, वो अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? डेमोक्रेसी, जो है न्यू गवर्नमेंट बना है जो फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड है, उनको वो अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे। वहाँ के जो मिलिट्रीज हैं वहाँ की न्यू गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे, ठीक है। वो सिर्फ डिस्प्ले नहीं था उनके फोर्स का, उनकी ताकत का, ठीक है। Only moments before, the highest general of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed their loyalty. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले की बात है, ठीक है। Only moments before, कुछ समय पहले की बात है, जो highest general थे South African Defence Force के, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल थे वो, और जो पुलिस थे साथ में, जिनका जो चेस्ट था वो बेडेक्ट था। बेडेक्ट का मतलब क्या होता है? डेकोरेटेड, ठीक है। उनका जो चेस्ट था वो सजा हुआ था, किससे सजा हुआ था? रिबन से, मेडल से, ठीक है। तो वो लोग आए, जो पुलिस थे एंड जो फोर्स के लोग थे वो सारे लोग आए एंड जो मंडेला जी को सैल्यूट किए एंड प्लेस किए अपने लॉयल्टी को, ठीक है। सो आगे क्यों क्या बोल रहे हैं वो, तो उन सभी लोगों ने, डिफेंस फोर्स के, पुलिस के लोगों ने आया एंड उनको सैल्यूट किया एंड प्लेस किया उनकी लॉयल्टी का, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। सो कुछ समय पहले की वो बात बता रहे नेल्सन मंडेला जी कि मैं इस बात से अनमाइंडफुल नहीं हूँ, बेखबर नहीं हूँ कि कुछ साल पहले तक ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे
अरेस्ट करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे, क्योंकि वो जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो तो वहाँ पे उनके वहाँ जो उनके पुलिस हैं फोर्स उनके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे ना, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। बट अब वो उनका गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी आ चुका है, तो वो सारे लोग आके उनको सैल्यूट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं वो। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक ग्रीन रेड ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। सो फाइनली क्या होता है, अ चेवरन निकलता है फारन जेट का। सो चेवरन का मतलब क्या होता है, चेवरन का मीनिंग होता है अ पैटर्न इन अ वी शेप। ठीक है, तो वी शेप का एक पैटर्न बनाते हुए इम्फाला जेट्स जो है वो स्मोक ट्रेल कर रहे थे। स्मोक ट्रेल, ट्रेल का मतलब क्या होता है, पाथ बना रहे थे, स्मोक से वो पाथ बनाते हुए आगे जा रहे थे। ठीक है, स्मोक वहां से, वो कौन से कलर का स्मोक था, ब्लैक कलर का था, ग्रीन कलर का था, रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड, जो कि उनका साउथ अफ्रीकन फ्लैग है। साउथ अफ्रीकन फ्लैग पे ये सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, थीके? तो ये सारे कलर्स के ही स्मोक वो ट्रेल कर रहे थे एंड वी शेप का बना रहे थे। ठीक है, सो ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये तो ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग ही है जिस कलर का वो स्मोक ट्रेल कर रहे थे। ठीक है, सो आगे क्या बोल रहे हैं, द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वॉइस सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइसेम डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। सो वो आगे बोल रहे हैं कि जो दिन था वो मेरे लिए सिम्बोलाइज था, सिम्बलाइज सिम्बल मतलब प्रतीक था, किस चीज़ का प्रतीक था, जो टू नेशनल एंथम्स थे, वाइट लोग क्या गा रहे थे, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, जो वाइट लोग थे वो सिंग कर रहे थे नकोसी सिकेलेल, एंड जो ब्लैक लोग थे वो क्या सिंग कर रहे थे, डाइस्टेम, जो कि वहाँ का रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था, जो कि साउथ अफ्रीका का ओल्ड एंथम था। ठीक है, ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वॉन्स डिस्पाइज दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। सो आगे क्या बता रहे हैं कि वो दोनों वाइट्स एंड ब्लैक दोनों वहाँ पे सिंगिंग कर रहे थे, नेशनल एंथम गा रहे थे, बट उन लोगों को वर्ड्स नहीं मालूम था, उनका लिरिक्स नहीं मालूम था, फिर भी वो गुनगुना रहे थे। ठीक है, सो बट वो डिड दे वंस डिस्पाइज, डिस्पाइज का मीनिंग क्या होता है, डिस्पाइज मीन होता है निग्लेक्ट, हेट करना। सो वो पहले क्या थे, वाइट लोग थे जो वो ब्लैक्स को हेट करते थे, सो वो उनका लिरिक्स क्यों याद रखेंगे नेशनल एंथम का, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि वो निग्लेक्ट करते थे, बट वो जल्द ही इन सारे लिरिक्स को जान जाएंगे, सारे वर्ड्स को जान जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। सो जिस दिन इनॉग्रेशन का दिन था वो बता रहे हैं कि मैं जो हिस्ट्री है, इसके पहले का जो हिस्ट्री है उससे ओवरवेल्म हूँ। उनको पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन लोग उन्होंने पीछे हिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है। ठीक है, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उससे पहले का हिस्ट्री उनको बहुत ही अच्छे से मालूम है कि कितना मुश्किल से कितना खर्च करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, सो वो बता रहे हैं अपना आगे का बात। ठीक है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। सो ये बता रहे हैं फर्स्ट डिकेड का बात, 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, जिसमें वो कब था, एंग्लो बिटर एंग्लो बोअर वार था, उससे कुछ समय बाद एंड उनके जन्म से कुछ समय पहले। ठीक है, वॉर के कुछ समय बाद एंड उनके जन्म से पहले का ये टाइम है फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। सो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वाइट स्किन के पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैचअप कर लिया, जो आपस का उन लोग का डिफरेंसेस था वो खत्म कर लिया, जो वहाँ के सारे वाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के वो सब आपस में मिल गए और मिल के क्या किए, एक रेशियल डोमिनेशन सिस्टम बनाए, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन बनाए, किसके अगेंस्ट बनाए, जो वहाँ साउथ अफ्रीका में जो डार्क स्किन पीपल लोग थे, जो वहीं के ही लोग थे ओन लैंड। ठीक है, वहीं के लोगों के अगेंस्ट एक ऐसा रेशियल सिस्टम बनाया सभी वाइट लोगों ने मिल के। The structure they created formed the basis on
ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। सो उन लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि एकदम हार्डेस्ट था, हार्श, यहाँ पे हार्श है, हार्श भी इसको बोल सकते हैं आप, हार्श हार्शर, हार्श का मतलब क्या होता है, टफ, ब्रूटल, क्रूएल, मर्सीलेस, एकदम इतना ज्यादा मर्सीलेस, मोस्ट ह्यूमन, इनह्यूमन, बिल्कुल मतलब कि उसमें बिल्कुल ही इंसानियत ही नहीं बचा, इस तरह का वो स्ट्रक्चर बनाए वहाँ पे जो दुनिया में ऐसा कभी देखा ही नहीं गया है। इस तरह का वो लोगों के साथ करने लगे, ब्लैक स्किन पीपल के लोग साथ इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी कर रहे थे, क्रूअल बन गए थे, एकदम मर्सीलेस बन गए थे, ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, सो आगे क्या बता रहे हैं कि नाउ इन द लास्ट डिकेड, तो 20th सेंचुरी का ये फर्स्ट डिकेड का बात हो रहा था ऊपर में, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो लास्ट डिकेड चल रहा है, फर्स्ट डिकेड के बाद जो लास्ट डिकेड चल रहा है 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8th डिकेड, सो उनका अब 80 साल हो चुका है 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड में, नेल्सन मंडेला जी का 80 ईयर्स हो चुका है। डेट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन That recognized the rights and freedom of all people. So क्या बोल रहे थे, जो सिस्टम है, जो पहले का सिस्टम था और जो अब हो चुका है 20th सेंचुरी के लास्ट में, वो क्या हो चुका, पूरी तरह से ओवरटर्न हो चुका, पूरी तरह से बदल चुका है, एंड रिप्लेस हो चुका है, किसके, किससे रिप्लेस हो चुका है, राइट्स एंड फ्रीडम, जो उनके, जो वहाँ के लोग थे साउथ अफ्रीका के, जो उनका राइट्स था, फ्रीडम था, जो उनको रिकॉग्नाइज करे उनके राइट्स एंड फ्रीडम को, उनसे उनका बदल चुका है, ठीक है। पहले क्या था, जो ब्लैक लोग, जो वाइट लोग थे, उनका अपना रास्ता, ठीक है, बट जो अब यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट बना है जो उनको राइट्स देगा, वहाँ के लोगों को फ्रीडम देगा, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना उनके कलर का, स्किन का जो कलर है उन पर बिना कुछ रिगार्ड किए, ठीक है, बिना कुछ देखे वो कौन से कलर के, उनको सारे राइट्स एंड फ्रीडम मिलेंगे, पूरा ओवर टर्न हो चुका है अब, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। द डे हैड कम अवॉर्ड थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। सो ये दिन कैसे आया, ये दिन बहुत ही मुश्किलों के साथ आया, जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके लोग थे नेल्सन मंडेला जी के, उनके अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइसेस के कारण ही ये आज का इतना बहुत ही अच्छा दिन आ पाया है, डेमोक्रेसी उनकी कंट्री में आ पाया है, ठीक है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, सो जिन लोगों ने वहाँ इतना ज़्यादा सफ़र किया उनके अगेंस्ट, वाइट लोगों के अगेंस्ट लड़ने में, उन लोगों का सफ़र एंड जो उनका साहस था, करेज था, वो कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता या फिर रिपेड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको कभी भर नहीं सकते हम लोग, ना कि उसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, उनके सैक्रिफाइसेस को, सैक्रिफाइसेस को, सफरिंग को, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे, आगे वो क्या बता रहे हैं कि मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, मैंने उस दिन महसूस किया जैसा कि मैंने और भी बहुत सारे दिनों में किया था महसूस, और वो सिंपली I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. So, मैं क्या हूँ? मैं एक simple सा sum हूँ. किसका sum हूँ? जितने भी हमारे African patriots थे जो मुझसे पहले चले गए. African patriots मतलब जो अफ्रीका के देशभक्त थे, वो जो मुझसे पहले ऊपर चले गए हैं, उनका मैं एक sum हूँ. सिर्फ एक sum हूँ, ठीक है. That long and noble line ended. So, यहाँ पे उनका लंबा और जो नोबल लाइन था वो एंड होता है. And now began again with me. So, उनके साथ यहाँ पे से फिर से शुरुआत होता है, ठीक है. So, आगे देखते हैं वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं मंडेला जी. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मीनिंग होता है यहाँ पे डन या अचीव्ड. सो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का, पेन है, ठीक है, कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पाया कि जो उन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस किए उनका यहाँ पे क्या अचीव हुआ है, ठीक है, उनके सेक्रीफाइसेस के कारण यहाँ पे डेमोक्रेसी आ पाया, तो उनके लिए नेल्सन मंडेला जी उनको थैंक नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो सारे अब वहाँ पे नहीं है, वो सारे अब ऊपर चले गए हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्टहाइड
created a deep and lasting wound in my country and my people. जो policy था apartheid system का, वो एक बहुत ही ज़्यादा deep and lasting wound, मतलब बहुत ज़्यादा उनके जो country थे और जो उनके country के लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा गहरा घाव दिया है एक apartheid system, ठीक है. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. So हम सभी को इससे बाहर निकलने में सालों, क्या बहुत ज़्यादा जनरेशन भी लग सकते हैं इससे रिकवर करने में. इतना ज़्यादा जो उनको दुख हुआ है, हर्ट हुआ है, इससे बाहर निकलने में उनको सालों या फिर उनके पीढ़ी भी लग सकती है. बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिविया टाम्बोज, द वाल्टर सिसुलूज, द चीफ लुथलिस, यूसुफ डाडोस, द ब्रह्म फिशर एंड द रोबोट सुबुकिश ऑफ आवर टाइम. सो ये क्या आगे बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन था, ब्रुटैलिटी था जो लोगों का, वहाँ के वाइट्स लोगों का, ब्लैक्स पे, उनसे एक अनइंटेंडेड इफेक्ट निकल के आया. वो इफेक्ट क्या था? उन्होंने इन महान लोगों को वहाँ से प्रोड्यूस किया. इतना ज़्यादा उन पे ब्रुटैलिटी किया गया, ऑपरेशन किया गया, जिनके कारण से वहाँ से इतने महान लोग वहाँ से निकले, प्रोड्यूस हुए. सो वो सारे लोग कौन से थे आपके? सो ये फिगर में उन सभी का नाम दिया हुआ, ठीक है. ये सारे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या थे, आगे लिखा हुआ है. Courage, wisdom and generosity that their like many never be known again. So ये सारे जो men थे वो courageous थे, उनमें बहुत ज़्यादा साहस था, wisdom थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, and generosity था, बहुत ज़्यादा kindness थे. So ये सारे लोग अब दोबारा ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि अब तो apartheid system ख़त्म हो चुका है. So ये जो इतना ज़्यादा कष्ट सह के, मुश्किल सह के अपर्टाइट के अगेंस्ट इन लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है. ये जो इतने ज़्यादा महान थे, काइंडनेस था इनके अंदर. सो ये सारे लोग हैं, आप फिगर में अच्छे से इसको देख पा रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज आर सब प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपर्टाइट. तो अपर्टाइट के अगेंस्ट जो इन सारे लोगों ने यहाँ पे स्ट्रगल किया है, ठीक है. तो इन सारे का फोटोज यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है. So, आगे कंटिन्यू करते हैं. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. So, इतना ज़्यादा उनके अंदर कैरेक्टर, जो उनका हाइट, मतलब कि जो उनका कैरेक्टर था, कि वो इतना ज़्यादा courageous, wisdom and generosity थे, इनकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए शायद उनको इतना ज़्यादा ऑपरेशन का ज़रूरत था. मतलब इतना ज़्यादा उन पर ब्रुटैलिटी होना शायद ज़रूरत था, ठीक है. रिक्वायरमेंट था इतना ज़्यादा ब्रुटैलिटी का, ऑपरेशन का, ताकि उनको, उनका जो कैरेक्टर है, उनकी हाइट्स को क्रिएट किया जा सके, ठीक है. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड द जेम्स दैट लाइक बीनीथ इट्स सॉइल. जो मेरा कंट्री है वो मिनरल से भरा हुआ है, ठीक है. मिनरल एंड जेम्स से भरा हुआ है. जो वहाँ की कंट्री है साउथ अफ्रीकन के, वहाँ के सॉइल के नीचे से मिनरल्स एंड जेम्स मिलते हैं, ठीक है. But I have always known that its greater wealth is people. So, but Nelson Mandela जी बता रहे हैं कि मेरे country के जो लोग हैं वो मेरा सबसे बड़ा धन है, ठीक है. Greatest wealth है, जो कि finer है and truer than purest diamond. जो pure diamond होते हैं उनसे भी ज़्यादा finer है and truer है, ठीक है. So, आगे continue करते हैं. It is from these comrade इन द स्ट्रगल डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. सो कॉमरेड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है. सो ये सारे मैं जो स्ट्रगल के जो मेरे दोस्त थे उनसे मैंने करेज का मीनिंग सीखा. साहस का मतलब क्या होता है, मैंने इन सारे दोस्तों से सीखा. टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क. सो मैंने बार बार मेन एंड वुमेन का रिस्क को देखा. एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए अपने लाइफ को दे देना, वो सब मैंने देखा, ठीक है. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. सो मैंने देखा मेन को स्टैंड अप, मतलब खड़ा होते हुए, जो अटैक हो रहे थे, टॉर्चर हो रहे थे, उनके खिलाफ खड़ा होते हुए बिना टूटे, बिना ब्रेकिंग हुए, उन लोगों के सामने खड़ा होना मैं
खड़ा होते हुए मैंने वहां मेंस को देखा। सो यहाँ बोल रहे हैं कि जो मेंस थे यहाँ पे, जो ऊपर आप लोगों ने फोटो में देखा, वो लोग स्टैंड अप रहते थे, जो उनके साथ टॉर्चर हो रहा था, अटैक हो रहा था, उनके सामने वो खड़ा रहते थे बिना टूटे। ठीक है, सोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। सो वो अपना क्या कर रहे थे उस समय, जो उन पे अटैक हो रहा था, टॉर्चर हो रहा था, उसके अगेंस्ट जो वो खड़ा थे, वो शो कर रहे थे अपना स्ट्रेंथ को, जो उनमें स्ट्रेंथ था, जो रेजिलेंस था, जो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी था, एबिलिटी टू बाउंस बैक। रेजिलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू बाउंस बैक। ठीक है, सो जो उनमें एबिलिटी था, फ्लेक्सिबिलिटी था, स्ट्रेंथ था, वो उनकी इमेजिनेशन को डिफाइज कर रहा था, रिफ्यूज कर रहा था। ठीक है, आई लर्न द करेज, आई वॉज नॉट एबसेंस ऑफ फियर बट ट्रिम ओवर इट। सो मैंने सीखा जो करेज है, करेज वॉज नॉट एबसेंस ऑफ फियर। जो करेज का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर डर नहीं है। ठीक है, करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बट कि आप ट्रिम्प ओवर, आप उस डर को जीत लेते हैं। करेज का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है, आपको वहां पे आप उस डर को जीत लेते हैं, ट्रिम्प ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है फ्रेंड्स, द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर्स दैट फियर। सो महान मतलब कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरते नहीं है, जो डर को महसूस नहीं करते, बल्कि वो है जो इस डर को जीत लेते हैं। समझ में आया, ब्रेव मैन वो नहीं है जो इस डर को महसूस नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि वो है जो इस डर को जीत लेते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने अच्छा बात लिखा हुआ था, बताए थे मंडेला जी ने कि जो महान ब्रेव मैन वो नहीं होते हैं जो डरते नहीं है, जो डर महसूस नहीं करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो इस डर को जीत लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ हिज कलर, द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी जन्म लेते के साथ किसी को हेट नहीं करता है, हेट नहीं करता है अनदर पर्सन को, उसके कलर का, जो स्किन का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका रिलीजन है, इन सब के अकॉर्डिंग कोई किसी को हेट नहीं करता है जन्म लेते के साथ। पीपल मस्ट टू लर्न, सो लोगों को हेट करना सीखना चाहिए, बट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं देन दे कैन बी टाउट टू लव, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो वो लव करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, सो जो लव होता है वो ह्यूमन हार्ट से नेचुरली कम्स आउट होता है। ठीक है, और देन इट्स अपोजिट, जो हेट होता है वो हेट के अपोजिट लव जो होता है वो ह्यूमन हार्ट से नेचुरली निकलता है। ठीक है, नेचुरली कम्स आउट होता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट, सो जो मेरा ग्रिमेस्ट टाइम था प्रिजन का, जो उनका जेल में जो उन पर अत्याचार होता था, बहुत ही बुरा टाइम था वो, जो उन पर अत्याचार हो रहा है उस टाइम का वो बात बता रहे हैं प्रिजन में। कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट, सो जब ग्रिमेस्ट टाइम था उनका प्रिजन का, और जब उनके दोस्त और जो उनके और वो खुद जब उनको पुश किया जाता था उनके लिमिट्स तक, I would see a glimmer of humanity in our one of the guards, perhaps just for a second. So, जब हमें और हमारे दोस्तों को दम पुश किया जाता था हमारे लिमिट्स तक, तब मैं वहाँ के जो गार्ड्स थे उनमें एक ग्लिमर देखता था ह्यूमैनिटी का, उनमें इंसानियत का चमक देखता था, भले ही वो कुछ सेकेंड्स के लिए ही रहता था, बट मैं उन गार्ड्स के आंखों में वो चमक देख पा रहे थे वो, जब उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा, तब वो गार्ड्स की ह्यूमैनिटी में, मतलब गार्ड्स में वो ह्यूमैनिटी का ग्लिमर देख पाते थे कुछ ही सेकेंड्स के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, ये मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है रीअश्योर करने के लिए कि मुझे हार नहीं मानना है, मुझे यहीं पे क्या बोलते हैं गोइंग, मतलब कि यहाँ पे चलते रहना है, यहाँ पे रहना है, मुझे लड़ते रहना है इसके अगेंस्ट। ठीक है, हार नहीं मानना है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम डेट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, सो मैन
मतलब जो इंसान है उनका जो गुडनेस का जो फ्लेम है, जो उनकी अच्छाई का एक ज्वाला है, उसको छुपाया तो जा सकता है बट वो कभी भी स्टंगाइज नहीं किया जा सकता, कभी भी उसको आप खत्म नहीं कर सकते। जो उनके अंदर का जो गुडनेस है उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे का स्टोरी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको आज आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, इस तरह से पार्ट्स में जो वीडियोस डिवाइड किए हैं शायद आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।